हाँ जी बनंत्री जो है कलकत्ते में, हाँ जी, जिसकी उम्र 5000 बता दी थी क्या? जितनी भी यादगारें बनी हुई हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, त्योहार हो, मूर्तियां हो, वो यादगार 2500 वर्ष के अंदर बनी है या 2500 वर्ष से पहले बनी है? है? अंदर बनी है, क्योंकि जब से ये भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वैतवादी दुनिया शुरू होती है, जिसका नाम है द्वापर युग, दो दो पुर, दो दो राज्य, दो दो धर्म, दो दो मतें, दो से चार, चार से आठ, ये द्वैतवादी दुनिया जब से भक्ति मार्ग की शुरू होती है तब से ये यादगारें बनना शुरू होती है। तो बनी एंट्री हो या कोई भी यादगार हो, वो 5000 साल पुरानी नहीं हो सकती। और बाबा, हाँ, सत्य पुरुष पूर्वज मन बोले हैं, है? सत्य पुरुष पिता, तो सत्य पुरुष पिता और शिव बाबा से कोई ताल्लुक है या सत्य पुरुष पिता ही शिव बाबा है? पुरुष किसको कहा जाता है? वही तो पता नहीं बाबा। पुरी कहा जाता है शरीर को, पुर कानपुर, तो पुर कहा जाता है रहने के स्थान को, जगन्नाथ पुरी कह दो, पुर कह दो, तो पुरी माने रहने का स्थान, और उस पुर में रहने वाला पुरुष क्या माने? चैन करने वाला, आराम करने वाला। तो ये शरीर रूपी पुरी है, शरीर रूपी पुर है, उस पुर में आत्मिक स्थिति में जो रहती है आत्मा, वो पुरुष है। फिर कहते हैं परम पुरुष, जितने भी आत्माएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, शरीर रूपी पुरी में आराम करने वाली आत्माएं हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं हैं, उनके बीच में परम पाटधारी, परम शब्द लगा है, जैसे होता है गुड बेस्ट बेटर, गुड उससे अच्छा, बेटर उससे अच्छा, बेस्ट बेस्ट अंतिम शब्द है, ऐसे ही परम शब्द है। तो परम का अर्थ ही होता है आत्माओं के बीच में सबसे अच्छा, एक ही होगा या अनेक होंगे, वो है एक साकार, वो मनुष्य तनधारी जिसमें परम पिता परमात्मा शिव प्रवेश करके उसके आप समान बनाए देते हैं, और जिसको आप समान बनाते हैं वो परम पुरुष है, उसका नाम पड़ता है शंकर। वो ऐसा पाठ बजाता है जैसा पाठ दुनिया में कोई भी नहीं बजा सका, जिसके
आधार पर उसका नाम पड़ता है शंकर। क्या पाठ बजाता है? शंकरोति। सारे संसार में शांति पैदा कर देता है। क्या? अशांति का नाम निशान खत्म हो जाता है। शंकरोति, संघार कर देता है, उसका नाम शंकर पड़ता है। उसमें परम पुरुष पाठधारी कहा जाता है, परम पाठधारी, जिसको सेवा निराकार ज्योति बिंदु आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता है। इसलिए वो एक ही परम पुरुष है जिस शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। और कोई भी 33 करोड़ देवताएं या 500 करोड़ मनुष्यों में ऐसा नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता हो। उसको कहते हैं परम पुरुष। बाबा, यदि तक परमात्मा मुकर रखता है वैसा सवाल रहते हैं। हाथ उठा ना। हाँ, परंतु तक परमात्मा से मुकर रखता है वैसा सवाल रहते हैं। मंदिरों में जो भी देवताएं हैं उन देवताओं के साथ उनकी सवारी दिखाई जाती है या नहीं दिखाई जाती है? गणेश की सवारी दिखाते हैं, जगदम्बा की सवारी दिखाते हैं, सरस्वती की सवारी दिखाते हैं, ब्रह्मा की सवारी दिखाते हैं, विष्णु की सवारी दिखाते हैं। जिस पर सवार होते हैं वो सवारी दिखाई जाती है या नहीं दिखाई जाती है? तो शिव की सवारी शिव के मंदिर में क्या दिखाई जाती है? बैल दिखाई जाती है। अच्छा, बैल पर निराकार सवार होगा या साकार सवार होगा? है? निराकार बिंदी सवार होगी तो लुढ़क जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। जरूर कोई साकार है जो बैल पर सवार होता है और उस साकार में निराकार शिव सवार होता है। वो निराकार शिव ज्योति बिंदु ऊंच से ऊंच पाठ बजाने वाला है ना, सबसे श्रेष्ठ आत्मा है ना, सर्वशक्तिमान है ना, तो वो जानवर में प्रवेश करेगा या मनुष्य में प्रवेश करेगा? क्यों? भारत में तो भगवान के जानवरों के अवतार दिखाए गए हैं। घोड़े का अवतार, कछुए का अवतार नहीं दिखाई गई है? तो जानवरों में भगवान नहीं आता? नहीं आता। क्यों? जानवरों का उद्धार कैसे होगा? है? है? जानवर है जड़त्वमयी बुद्धि वाले होते हैं। सब प्राणियों के बीच में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो मन बुद्धि वाला होने के कारण मनुष्य कहा जाता है। और मनुष्यों में भी नंबर वार मन बुद्धि वाले हैं या सबकी मन बुद्धि एक जैसी होती है? नंबर वार है। तो कोई तो मनुष्यों के बीच में मन बुद्धि रूपी आत्मा ऐसी होगी जो सबसे श्रेष्ठ मन बुद्धि रूपी पाठ बजाने वाली हो। होगी या नहीं होगी? होगी। इसलिए ऊंच से ऊंच बाप जरूर ऊंच से ऊंच में प्रवेश करते हैं।
धर्म पिताएं नंबरवार हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक उनको ऊंचे से ऊंचे कहेंगे है? अगर ऊंचे से ऊंचे होते तो उनका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। वो नंबरवार धर्म पिताएं हैं और नंबरवार इस सृष्टि पर आते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप जरूर ऊंचे से ऊंचे मनुष्य में आता है और जिस ऊंचे से ऊंचे मनुष्य में आता है वो इस मनुष्य शक्ति का पहला पुरुष कहा जाता है, आदि पुरुष। तुम आदि देव है, आदि देव कहा जाता है, उससे पूर्वज कोई होता ही नहीं, उसका बाप कोई होता ही नहीं, सबके बाप होते हैं, लेकिन एक देवता ऐसा है जिसका कोई बाप होता ही नहीं, वो बापों का बाप है। तो वो शिव प्रवेश करता है मनुष्य सृष्टि के बाप में, और वो मनुष्य सृष्टि का बाप किस में प्रवेश करता है, किसको सवारी बनाता है? बैल को सवारी बनाता है, बैल पर सवार होता है। बैल बुद्धि अच्छी होती है या मनुष्य बुद्धि अच्छी होती है? मनुष्य बुद्धि अच्छी होती है। बैल मोटा ताजा दिखाया जाएगा, चित्र तो दिखाए हैं ना, पहले चित्र तैयार हुए हैं या शास्त्र तैयार हुए हैं? पहले अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं में चित्रकारी हुई, चित्रकारों ने चित्र तैयार किए, बाद में उन चित्रों को देख करके शास्त्र तैयार हुए। तो जो शंकर की सवारी बैल दिखाई गई है वो मनुष्य के रूप में मोटा ताजा हट्टा कट्टा आदमी दिखाया जाता है। इसका मतलब शरीर से मोटा ताजा नहीं है, देह अभिमान से मोटा ताजा है। क्या? जैसे बैल में बहुत देह अभिमान होता है, बैल जब बैठ जाता है अड़ जाता है तो मानता है जल्दी? नहीं मानता। ऐसे ही उस आत्मा का पार्ट है, जन्म जन्मांतर से बुद्धि में बैठा हुआ है कि कृष्ण ही गीता का भगवान है, तो इस अंतिम जन्म में भी भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं, बाप के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, तो भी उस आत्मा की बुद्धि में जल्दी नहीं बैठता कि वास्तव में गीता का भगवान साकार सृष्टि पर वो साकार पाठ बजाने वाला कौन है जो गीतापति भगवान है। तो बैल सवारी दिखाई गई है, किसकी सवारी? किसकी सवारी है? शिव की? शिव की सवारी नहीं, शंकर की सवारी। तो शंकर बैल के ऊपर सवार होता है, बैल बुद्धि कहते हैं ना, ये तो बैल बुद्धि है, बैल बुद्धि है। प्रैक्टिकल में इसका प्रूफ क्या है? कोई प्रूफ है कि नहीं? नहीं है क्या? क्या प्रूफ है? नहीं, हाँ, इतनी मुरलियां भगवान शिव ने उसके तन में बैठ करके सुनाई, लेकिन एक भी मुरली पर इतना गहरा मनन चिंतन मंथन हुआ ही नहीं। गहरा तो क्या, बिल्कुल ही नहीं हुआ। ज्ञान की देवी सरस्वती ने फिर भी मनन चिंतन मंथन किया, लेकिन
ब्रह्मा दादा लेखराज की मन बुद्धि ने वो मनन चिंतन मंथन नहीं किया। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर का बुद्धि में बैठा हुआ है। क्या गीता का भगवान मैं आत्मा श्री कृष्ण, तो जो अपने को ही भगवान समझकर बैठ जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है हिरण्य कश्यप। हिरण्य माने सोना, काशी माने तेज, इसे बनता काशी, का माने पीने वाला। जो सोने जैसी अच्छी अच्छी आत्माएं हैं, सब धातुओं में सबसे अच्छा धातु कौन सी होती है? सोना। तो कहते ना ये तो बड़ी सोनी है, ये तो सोने जैसा आदमी है, सोना है सोना। माने जो अच्छे से अच्छी आत्माएं हैं, अच्छे स्वभाव संस्कार वाली, उन श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेह का सुख पाने वाला, सुख को पीने वाला, उनकी प्योरिटी के सुख को पीने वाला हिरण्य काश्य। काश्य माने तेज। तेज क्या चीज होती है? याद का तेज होता है, योग का तेज जिसे कहते हैं, और पवित्रता का तेज होता है। क्या प्योरिटी भी तेज है? कन्याओं माताओं में प्योरिटी ही तेज है, और पुरुषों में याद तेज है। तो ऐसी श्रेष्ठ श्रेष्ठ हिरण्य अर्थात सोने जैसी आत्माओं के पवित्रता रूपी तेज को पीने वाला हिरण्य कश्यप कहा जाता है। वो अपने को ही भगवान समझ करके बैठ जाते हैं। ऐसा पार्ट बजाने वालों में अव्वल नंबर कौन हुआ? और धर्म गुरु तो बाद में है, वो भक्ति मार्ग के गुरु है, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में पहला नंबर गुरु कौन हुआ? जो अपने को ही भगवान समझता है। इस सच्ची पर मेरे अलावा साकार भगवान और कोई दूसरा नहीं है। प्रश्न का समाधान हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। मुरली ने बोला है हाँ, मैं ही लहरी हूँ, मैं ही साई हूँ। हाँ, तो इस तरह से रामबाग की बात है। जो मैं करता है वो मैं करने वाला सोचा जा सकता है कि वो देह अभिमानी होगा या आत्मा अभिमानी होगा? कौन होगा है? अरे बताओ ना, ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ये कहेगा जब संपन्न स्टेज हो जाएगी ब्रह्मा की आत्मा की, तब वो अपने को सब प्रकार की जातियों में श्रेष्ठ मानेगा, समझेगा? है? है? नहीं समझेगा, वो तो पहचान जाएगा कि मैं गीता का भगवान नहीं हूँ, तो ब्रह्मा की बात नहीं है, शिव की बात है। शिव को तो मैं अर्थात देह अहंकार होता ही नहीं। तो मैं करने वाला शास्त्रों में कोई रूप दिखाया गया है? कोई रूप दिखाया गया है कि नहीं? कोई पाटधारी है जो मैं ही सब कुछ हूँ?
जो बोला है मुरली में राम ही रावण बनता है। सतो प्रधान स्टेज है तो राम, और आती की तमो प्रधान स्टेज जब बनती है तो क्या बन जाता है? रावण। जो मुरली में बोला है कि बहुत संग करेंगे तो विनाश करा दूंगा, ये कौन बोला? ब्रह्मा बोला, शिव बोला, या राम वाली आत्मा बोली? ब्रह्मा तो विनाश कराता ही नहीं है। प्रैक्टिकल जीवन में कोई आत्मा को धक्का दिया क्या, दुख दिया क्या? नहीं। शिव के लिए बात लागू नहीं होती कि वो विनाश कराता है। शिव माने क्या? कल्याणकारी। वो तो किसी प्रकार का अकल्याण, निगेटिविटी है ही नहीं, जिसमें अव्वल नंबर की पॉजिटिविटी होगी उसी में अव्वल नंबर की नेगेटिविटी भी होगी। जो 100% सकारात्मक पार्ट बनाने वाली आत्मा होगी वही 100% तमो प्रधान बनने पर नकारात्मक पार्ट भी बजाती है। और वैसे भी समझा जा सकता है कि पुरानी परंपराओं का, पुरानी बातों का, दुखदायी रूप के रस्म रिवाजों का विनाश धर्म पिताएं कर सके है? नहीं कर सके। पुराने धर्मों का विनाश धर्म पिताएं नहीं कर सके, न इब्राहिम, न बुद्ध, न क्राइस्ट, न गुरु नानक, अपने अपने धर्म स्थापन करते गए। पुराने धर्म भी ज्यों के त्यों चलते रहे, रसम रिवाज कुरीतियां भी ज्यों के त्यों चलती रही, विनाश तो किसी ने नहीं कराया। तो कौन करता है इतनी बड़ी सृष्टि का विनाश? तामसी तत्वों का विनाश कौन करेगा? विष से विष मारा जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है। तो जो जाति तमो प्रधान होगा, सबसे जाति तमो प्रधान, वो ही तमो प्रधान दुनिया को नाश कर सकेगा। इसलिए एक ही मनुष्य सृष्टि का बीज है, मनुष्यों का बाप जिसे कहते हैं प्रजापिता, प्रजापति, वो सारी सृष्टि में स्थापना का भी निमित्त बनता है और सारी तामसी सृष्टि का विनाश का भी निमित्त बनता है। इसलिए बोला है मुरली में, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, 70 साल हो गए चिल्लाते चिल्लाते भगवान को, बच्चे विकारों को छोड़ दो, शादी बर्बादी है, विकार में जाना ही शादी है। 70 सालों में किसी ने छोड़ा है? नहीं छोड़ा। तो फिर वो ऐसा पार्ट भी बजाने के लिए मजबूर है जो मुरली में इशारा दिया, बच्चे तुम तो विकारी हो, 70 साल से भी ऊपर हो गए, विकारों को छोड़ नहीं पाते, लेकिन तुम्हारा भी बाप आया हुआ है। बाप माना अच्छाइयों में भी बाप है तो बुराइयों में भी बाप है। और बाबा, हाँ जी बाबा, कहते हैं रुक्मणी के घर में हर श्रृंगार का पेड़ था, रुक्मणी के घर में हर श्रृंगार का पेड़ था,
लेकिन जो फूल गिरते थे वो शांति बाबा के आंगन में गिरते थे, तो इसका क्या रहस्य है? हार श्रृंगार दो रानियों की पटरानियों की बात बताई। कौन कौन सी दो पटरानियाँ? रुक्मणी के घर में हार श्रृंगार का पेड़ था। कैसा पेड़? जिसमें हार तो था, रानी के गले का हार होता है ना, हार तो था फूलों का। ऐसा हार था फूलों का जो श्रृंगार कर देता था। वो रुक्मणी के आंगन में था, क्या जो पुरुषार्थ करते करते महारानी बनते बनते रुक गई, महारानी नहीं बन सकती। रुक्मणी का पार्ट बजाने वालों में भी नंबर वन कोई होगा कि सारे ही होंगे? नंबर वन। ऐसे देखा जाए तो आठ पटरानियां जो गाई हुई है वो सभी महारानी बनते बनते रुक जाती है कि नहीं रुकती? सभी महारानी बनते बनते रुक जाती। एक राधा है जिसका नाम महारानी के रूप में गाया हुआ है और बाकी सब क्या बन जाती हैं? पटरानी। और साथ करते 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 उनकी स्टेज में चढ़ते चढ़ते आखिरी जो फाइनल परीक्षा होती है ईश्वरीय ज्ञान की, उसमें पट से आके गिरती है, तो पट रानी कही जाती है। एक राधा ऐसी है जो आखिरी स्टेज तक पहुंचती है। अब कृष्ण के साथ राधा की मंदिरों में यादगार दिखाई जाती है, पूजा भी दिखाई जाती है, संपन्न स्टेज लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां भी दिखाई जाती हैं और लक्ष्मी नारायण के भव्य मंदिर भी दिखाए जाते हैं। और पटरानियों की भी यादगार है, लेकिन वो छोटे छोटे मंदिर हैं। तो रुक्मणियां जो है नंबर वार, वो हार श्रृंगार, क्या कैसा हार तैयार करती है? जो श्रृंगारे हुए होते हैं ज्ञान रत्नों, माने उनके घर में हार श्रृंगार का पेड़ होता है। लेकिन उन पटरानियों के बीच में एक ऐसी भी पटरानी है, क्योंकि नाम जो है वो काम के आधार पर पढ़ते हैं या ऐसे ही पढ़ जाते हैं शास्त्रों? जैसा जिसने काम किया वैसे उनके शास्त्रों में नाम प्रसिद्ध हुए। तो एक पटरानी ऐसी भी है जिसका नाम है सत्यभामा, क्या सत्य में सच्चे सच्चे रूप में, भा माने हुई, मां माने मां, सच्चे सच्चे रूप में पटरानियों के बीच में मां का पार्ट बजाया। तो फूल किसके गले में पड़ेंगे जाके, किसके घर में गिरेंगे जाके? सत्यभामा के घर में गिरते। अभी तक भी वो सत्यभामा प्रत्यक्ष नहीं हुई है, क्या रुक्मिणी प्रत्यक्ष हुई है, जामवंती प्रत्यक्ष हुई है और पटरानियां भी प्रत्यक्ष हो रही है, लेकिन सत्यभामा प्रत्यक्ष नहीं हुई है। जो अंत में प्रत्यक्ष होगी, कौन सी नदी है जिसके लिए मुरली में बोला है अंत में निकलती है? गंगा। ज्ञान गंगाएं प्रत्यक्ष हुई है अंत में, और वो ज्ञान गंगाएं
दक्षिण भारत में प्रत्यक्ष होती है या उत्तर भारत में? उत्तर भारत में प्रत्यक्ष होती है। जब वो प्रत्यक्ष होंगी तो जितने भी संगारे हुए ज्ञान रत्नों के फूल हैं, चाहे वो ज्ञान रत्नों के फूल हो और चाहे वो गुण रत्नों के फूल हो, किसकी गोद में जाके गिरेंगे? किसके घर में गिरेंगे? गंगा की गोद में जाकर गिरेंगे। समाज में चित्र है काली शंकर को पैर में दबा रखी है, बेहद में क्या बात है? इस बात का क्लेरिफिकेशन बीसियों बार आ जाता है, फिर बार बार वो ही प्रश्न पूछते रहते हैं। नहीं मालूम है उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, या तो धीरज नहीं है, धैर्य पूर्वक जो वाणियां चली हैं उनको सुनने या देखने की लालसा नहीं है, या तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। बार बार वही प्रश्न पूछेंगे तो टाइम तो बेस्ट होगा ना औरों का। ये महाकाली का पॉइंट कई बार डिक्लेयर किया है, चित्रों में दिखाया जाता है कि महाकाली विनाश करती जाती है, संहार करती जाती है और सारी सृष्टि पर हाहाकार हो जाता है। उस विनाश को रोकने के लिए भक्ति मार्ग में दिखाया है कि शंकर जी उसके रास्ते में लेट जाते हैं और महाकाली का पांव शंकर की छाती पर गिरता है। छाती पर पांव रखना उसका अर्थ ही है पूरी बेइज्जती कर देना। छाती पर पांव रखने का मतलब क्या हुआ? पूरा ही बेइज्जत कर देना। लेकिन ज्ञान मार्ग में इसका विशेष अर्थ भी है। असुर संगारिणी प्रैक्टिकल में शक्तियां गाई हुई है, देवियां गाई हुई है या देवता गाए हुए हैं? कोई देवता असुर संगारिणी गाया हुआ नहीं है। कहते हैं शंकर को कि शंकर विनाश करता है, लेकिन मुरली में क्या बोला है? शंकर विनाश करता है क्या? शंकर तो कुछ भी नहीं करता। क्या बोला मुरली में? शंकर विनाश करता है या कुछ भी नहीं करता? अरे करने धरने का काम जो है वो इंद्रियों से किया जाता है या बिना इंद्रियों के कुछ काम किया जाता है? इंद्रियों से काम किया जाता है। तो शंकर को तो कैसे दिखाया गया है बैठे हुए? उसे काम करते हुए दिखाया गया है? ये आदमी बैठा है, इंद्रियों की तो कोई हलन चलन दिखाई नहीं गई। तो शंकर द्वारा विनाश कहते हैं लेकिन शंकर विनाश नहीं करता, देवियां निमित्त बनती हैं प्रैक्टिकल में विनाश करने के। और विनाश इम्प्योरिटी से होता है या प्योरिटी से होता है? अपवित्रता से होता है विनाश और पवित्रता से होती है स्थापना। तो देवियों में भी दो प्रकार की देवी हैं, एक है महाकाली और उसके मुकाबले में दूसरी है महागौरी। महागौरी विष्णु देवी का पार्ट बजाती है जो नई सृष्टि की पालना के निमित्त बनती है, और महाकाली पुरानी दुनिया के
विनाश का प्रैक्टिकल पार्ट बजाती है। ये ब्राह्मणों की दुनिया के विनाश की यादगार चित्रों में दिखाई जाती है या बाहर की दुनिया के विनाश की यादगार दिखाई जाती है? ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश कैसे होता है? क्या खांडा लेकर के एक एक गले काटती जाती है? है? कोई स्थूल खांडा होता है जिससे गले काटे जाते हैं? नहीं, ऐसा पार्ट बजाती है जो सब अनिश्चय बुद्धि होते जाते हैं। क्या भगवान बाप की पहचान में क्या बन जाते हैं? अनिश्चय बुद्धि विनश्यते बन जाते हैं। ऐसा पार्ट बजाने के धुन में जब वो 100% पावर पकड़ती है तो कहीं सारी सृष्टि का विनाश न हो जाए। क्यों? ऐसा सारी सृष्टि में कोई पुण्यात्मा देवता है? होता है, है? सब क्या है? सारी दुनिया पापात्माओं की है या पुण्यात्माओं की है? पापात्माओं की। हाँ, पुण्यात्मा बनने के पुरुषार्थ ही जरूर है। उन पुरुषार्थियों में 2-4-8 ऐसे भी निकलेंगे जो 100% पुण्यात्मा बनकर के, अष्टदेव बनकर के धर्मराज की सजाएं भी नहीं खा देंगे। तो उनकी सुरक्षा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो शंकर जी को उनके ऊपर रहम आ जाता है, कहीं सारी सृष्टि का विनाश न कर दे। इसलिए सामने नतमस्तक हो जाते हैं और सृष्टि का विनाश रुक जाता है। चित्रों में देखा जाता है, जो पुराने चित्र है महाकाली के, उनमें महाकाली जब पांव रखती है छाती पर तो उसके मस्तक में शंकर का चित्र भी दिखाया हुआ है। क्या इससे क्या साबित हुआ? कि वो याद में है। गीता में भी लिखा हुआ है कि आत्मनिश्चय व्यक्ति सारे संसार का भी विनाश कर दे तो भी उसका उसके ऊपर कोई पाप नहीं करता। और वो स्वयं तो विनाश नहीं करती, याद की शक्ति से, याद का वाइब्रेशन से ऐसा पाया पावरफुल वाइब्रेशन बनाया जा सकता है जिससे कोई की बुद्धि को घुमा दिया जाए। ऐसी प्रेरणा देने का काम शंकर का होता है। इसलिए यादगार बनी हुई है शास्त्रों में, शंकर ने शक्तियों को प्रेरणा दी और असुरों का संहार उन्होंने किया। इसलिए शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। और सिलेंडर होने चाह रहे हैं तो 4-2 साल के अंदर फिर मतलब आ सकते हैं इधर सेवा के रूप से कि नहीं? आप लौकिक में गृहस्थी नहीं है क्या? युगल है? नहीं, तो वो भी जाने चाह रहे हैं, तो मेरे से पीछे आगे पीछे जा रहे हैं। वो आगे है, आप पीछे? मैं आगे जा रही हूँ, पीछे जा रहे। वो पीछे जा रहे हैं माने पीछे से वो भी सरेंडर होना चाहते हैं? अभी उनकी इच्छा नहीं है? है तो छोटा मोटा झोपड़पट्टी है तो बोल रहे हैं बेच के बन लेते हैं। तो ठीक है, एक तरफा बुद्धि होकर के कोई काम करेंगे तो बुद्धि खींचेगी नहीं, वो तो ठीक ही कहते हैं। तो
जल्दी क्यों करना चाहिए? जल्दी का काम शैतान का। तो सिलेंडर नहीं होना, नहीं अंगीठी में लगाया जाएगा, सरेंडर होना। अच्छा तो फिर लौट सकते हैं कि नहीं? है? जो मतलब दो साल के अंदर इधर आ सकते हैं कि नहीं? सेवा के रूप से जीते किधर आ सकते हैं? इधर है। इधर माने किधर? आश्रम से। आश्रम से कहाँ? गृहस्थी में। सरेंडर का मतलब है सर अंदर कर दिया, फिर अपन ही अकल नहीं चलाना। इसीलिए तो आपके युगल कहते हैं कि सब बेच बात के एक तरफा बुद्धि करके फिर जाएंगे। बुद्धि उधर ही खिंचती रही, दो साल के बाद जाना है जाना है जाना है, तो चले ही जावेंगे। लंबे समय का संकल्प काम करेगा ना। और मामा दुर्गा माँ का प्रतिमा बनाते हैं? हाँ जी। उसमें वैश्याघर का वो जो मिट्टी मिलाते हैं तो इसका बेहद में क्या अर्थ है मामा? है मिट्टी मिलाते ना वैश्याघर का? वैश्याघर की मिट्टी मिलाया जाता है ना बाबा? हाँ। इसका बेहद में क्या अर्थ है मामा? दुर्गा जो है जो दुर्गुणों को दूर करने वाली है, तो लोहे से लोहा काटेगी या नहीं काटेगी? विष से विष मारेगी या नहीं मारेगी? जो दुर्गा का पार्ट है वो किसका है? जगदम्बा का है। जगदम्बा जब तामसी स्टेज धारण करती है तो कौन सा पार्ट बजाती है? महाकाली का पार्ट बजाती है। और जो काला पार्ट बजाया जाता है वो देह अभिमान का पार्ट होता है या आत्माभिमानी का पार्ट होता है? देह अभिमानी का पार्ट होता है। इसलिए महाकाली का ही मंदिर ऐसा है जहाँ बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। इसलिए दो प्रकार की देवियां गाई हुई है, मांसाहारी और शाकाहारी। शाकाहारी है वैष्णवी और मांसाहारी है महाकाली। इसलिए जो मंदिर बनाया जाता है वो मंदिर वैश्या के घर की मिट्टी से बनाया जाता है। वैश्या विविचारिणी होती है या अभिविचारिणी होती है? विविचारिणी होती है। वो प्रैक्टिकल पार्ट है जो कीचड़ में कमल के समान गाया हुआ है। कीचड़ की दुनिया में रहती है, कीचड़ की दुनिया में पार्ट बजाती है। ये विकारों की कीचड़ है, जगत अम्बा है। इस जगत में क्रिश्चियंस भी है, इस्लामी भी है, मुसलमान भी है, नास्तिक भी है। उन सात विधर्मियों को गोद में पालना देने वाली है। जो राक्षस होते हैं, राक्षस जाति के होते हैं, वो व्यभिचारी होते हैं या व्यभिचारी होते हैं? व्यभिचारी होते हैं। वो इतनी शराब पीते हैं, इतने मदमस्त रहते हैं देह अभिमानी में आकर, कि उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है कि हमारी बहन कौन है, बेटी कौन है, माँ कौन है। तो जानवर बुद्धि हुए ना। जम्मू में एक रघुनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पर एक कोने में एक मूर्ति को उसको कपड़े से ढक दिया जाता है और अमुक महीने में ही कपड़ा हटाया जाता है और सब लोग उसके दर्शन करते हैं। बाकी दिनों में उसके पास जाना भी
पास के जो पंजे पुजारी ये मना करते हैं कि इसके पास से भी नहीं जाए। इसका क्या रहस्य है? जैसे शिव के मंदिरों में सन्यासी लोग मना करते हैं कन्या माताओं को कि शिव की पूजा लिंग की नहीं करनी है, हनुमान के मंदिर में हनुमान की पूजा करने के लिए मना करते हैं हनुमान की पूजा कन्या माताओं को नहीं करनी है। ऐसे जो रघुनाथ है सूर्यवंशियों का मुखिया है राम वाली आत्मा वो अंत तक गुप्त पाठ बजाती है या प्रत्यक्ष होकर पाठ बजाती है? गुप्त पाठ बजाती है, इसलिए वहाँ जम्मू में यादगार दिखाई गई है। लेकिन वो देवी है कोई वो देवी भी जब प्रत्यक्ष होती है तब ही राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है, वरना प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकती। और झूलेलाल का है कि जो गायन सिंधुओं में गाते हैं वो में क्या जैसे दिखाई जाती है कि प्रैक्टिकल में दिखाई जाती है मूर्ति ब्रह्मा बाबा का तीन चित्र दिखाते हैं। तो चित्र किसका दिखाते हैं, ब्रह्मा का दिखाते हैं या कृष्ण का दिखाते हैं? ब्रह्मा का दिखाते हैं। तो ब्रह्मा की सोल और कृष्ण की सोल एक ही सोल है या अलग अलग है? है? हाँ, और झूले की विशेषता ये है कि झूला कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, फिर दूसरी ओर जाएगा तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो अप एंड डाउन आत्मा होती रहती है। कौन? ब्रह्मा की सोल। अभी अभी राम वाली आत्मा में प्रवेश करती है, संसर्ग संपर्क में संबंध में आती है, संग का रंग चढ़ता है तो नशा चढ़ जाता है, रुद्रमाला की सहयोगी बन जाती है, और अभी अभी नशा नीचे गिरा तो बेसिक में जा करके तो प्रवेश करके फिर पाठ बजाना शुरू कर देती, तो ये नीचे ऊपर होता रहता है, इसलिए यादगार झूले लाल की बनाई दी है। और बाबा सन्यासी के जो सन्यासी होते हैं वो घर बार का त्याग नहीं करते, और जो हद के सन्यासी होते हैं वो क्या करते हैं? घर बार का त्याग कर देते हैं, गृहस्थी का त्याग कर देते हैं, वो विकारों का त्याग नहीं कर पाते। जो बेहद के सन्यासी हैं वो घर गृहस्थ का त्याग नहीं करते, पत्नी बीवी बच्चों का त्याग नहीं करते, पांच विकारों का त्याग करके दिखाते हैं। तो बहुत बड़ा अंतर है। और दुर्गा को सवारी करते हुए सलाह दिखाए गए हैं, सवारी करके सलाह कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, तो क्या आपसे पूछ रहे? शेर जंगल का राजा कहा जाता है, जो शेर जंगल का राजा है वो जंगल फूलों का जंगल होता है या कांटों का जंगल होता है? है? कांटों का जंगल होता है। बेहद में ये सारी दुनिया फूलों का बगीचा है
यह कांटों का जंगल है, है? कांटों का जंगल है, दुखदाई कांटे हैं, मन वचन कर्म वाणी कोई न कोई प्रकार से दुख देते ही हैं। ऐसे कांटों के विराट जंगल में जो बेहद के जंगल का राजा शेर है, वो कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया की बात है या बाहर की दुनिया की बात है? शेर में खासियत होती है, वो जब दहाड़ मारता है तो सारे जंगल के प्राणी थरथरा उठते हैं। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसा पार्टधारी है जिसके ज्ञान की दहाड़ से सारा जंगल थरथरा उठता है? है? बीके वाले थरथराए उठते हैं। जो बीके वाले हैं, वो तो आधार मूर्त जड़े हैं। उन जड़ों में ज्यादा ताकत है या जड़ों के भी कोई बीज है? बीज बाप को कहा जाता है, उन बीजों में ज्यादा ताकत है, है? वो कहाँ है? वो ब्राह्मणों की दुनिया में ये एडवांस पार्टी है, वो बीज है, वो उनके भी बाप है। ज्यादा सत्यानाशी कौन है? बीज ज्यादा सत्यानाशी है या जड़े ज्यादा सत्यानाशी है? बीज ज्यादा सत्यानाशी है, ज्यादा दुखदाई है। पहले बीजों का सुधार होगा या पहले जड़ें सुधरेंगी? कोई भी फसल तैयार की जाती है तो बीज का परिष्कार किया जाता है। तो ये जो बीज रूप आत्माएं हैं, ये छोटा मोटा जब शेर बच्चा होता है तो उसकी दाढ़ भी छोटी होगी बड़ी होगी? छोटी दाढ़ होती है। वो नौजवान शेर बनता है कि नहीं बनता है? है? बनता है। सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणें ज्यादा तीखी होती है, या दोपहर का 12 बजता है तब सूर्य की किरणें तेज होती हैं? तो सूर्योदय होता है वो उतना विकराल रूप नहीं होता है, क्या? संचक्र है सूर्योदय काल, है? और जब सारे संसार में आवाज होगी तो कौन सा टाइम है जो भक्ति मार्ग में राम का जन्म माना जाता है? सूर्यवंशी राम दोपहर का 12 बजे भक्ति मार्ग में राम का जन्म दिखाते हैं। इसलिए सिख लोगों के लिए मान्यता करते हैं लोग, अभी 12 नहीं बजे। इसलिए सिख धर्म की आत्माएं अभी ज्ञान में नहीं निकल रही है। जब तेजी से सूर्य तपेगा तो दहाड़ तीखी हो जाएगी ज्ञान की या धीमी आवाज वाली होगी? तीखी आवाज हो जाएगी। संसार रूपी जंगल के
जितने भी ये खूंखार जानवर हैं सब दहल जावेंगे। इसलिए वो आत्मा शेर की यादगार है और शेर को कब्जे में लाना ये किसका काम है? है कोई ऐसा प्राणी जंगल में होता है जिसके सामने शेर भी पूंछ हिलाता फिरे? है हाथी होता है, हाथी के सामने पूंछ हिलाता है, हाथी को तो थप्पड़ मारता है। ढेर के ढेर हाथी होंगे तो वो सारे हाथी मिलकर के अपना सर एक जगह इकट्ठा करेंगे और शेर को देखना बंद कर देंगे मारे डर के, पिछाड़ी कर देते हैं शेर की तरफ। तो शेर के साथ शेर जो है वो हाथियों के सामने पूंछ हिलाएगा? हाँ, शेर शेरनी के सामने पूंछ हिलाता है और प्यार करने वाली शेरनी के सामने पूंछ हिलाएगा? या लड़ाई लड़ने वाली शेरनी के सामने पूंछ हिलाएगा? है प्यार के लिए चाहे कोई जान भी ले ले। तो ये है शेरनी शक्ति का चित्र यादगार। कलयुग में जब आत्मा तामसी हो जाती है, रजो प्रधान तामसी हो जाती है, बहुत विकारों के बंधन में आ जाती है, तब देवियों की पूजा शुरू होती है। द्वापर युग में देवियों की पूजा नहीं दिखाई गई है क्योंकि वहां मनुष्य आत्माएं इतनी विकारी नहीं होती है। समझ में आया? शेरनी शक्ति का गायन। बाबा गणेश का वाहन सिंह को बताया है जी, तो गणेश को बैठ नहीं सकता, घुमा नहीं सकता। गणेश का वाहन सिंह को बताया है घुमा नहीं सकता, गणेश को बिठा के फिर भी गणेश क्यों रखा सिंह को वाहन पर? शुआ जो है वो छोटा प्राणी है और गणेश हाथी जैसा बड़ा जानवर दिखाया गया है। शेर भी जानवर बुद्धि है और चूहा भी है, चूहा भी जानवर बुद्धि है। अंतर क्या है? शेर जमीन को लव क्या, शेर नहीं हाथी, हाथी जो है वो जमीन को खोखला नहीं कर सकता और चूहा, चूहा सारी जमीन को खोखला कर देता है। तो जो हाथी रूपी महारथी का पार्ट बजाने वाले पुरुषार्थी है उनमें मुख्य पुरुषार्थी का नाम गणेश है। वो तो किसका आधार लेता है? ऐसे चूहों का आधार लेता है जो अंदर ही अंदर बेसिक नॉलेज में चलने वालों की जमीन खोखली कर देते हैं नीचे नीचे, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हमारा सारा घर खोखला हो गया। वो काम गणेश रूपी महारथी हाथी नहीं कर सकता, इसलिए किसका आधार लेता है? चूहों का आधार लेता है।